each other's hearts. It's a cold blooded love. वेलकम टू माई चैनल। और इस बार मैं बनाने वाली हूँ मोमोज, और मोमोज मैं बनाऊँगी दो तरह के, एक चिकन और एक पनीर मोमोज। तो पहले मोमोज का डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और फिर ऑयल ऐड करके हमें इसका डो रेडी करना है। और डो बिल्कुल थिक होना चाहिए, अब उसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, पहले मैं पनीर मोमो की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसमें बहुत सारा गार्लिक ऐड कर लिया, उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उसको पकाऊंगी। और उसमें फिर मैं ऐड करूंगी थोड़े से अनियंस, एक्चुअली बहुत सारे अनियंस। और अनियंस को आपको पूरा फ्राई नहीं करना है, बस एक दो मिनट के लिए पकाना है। और उसमें टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर अगर आप चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर। और इसमें कुछ भी और ऐड नहीं होगा, सिर्फ पनीर, गार्लिक, अनियन, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस ये हमारी स्टफिंग हो जाएगी रेडी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड में रख देंगे। और अब चिकन मोमोज की स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने बोनलेस चिकन को दही और चिकन मसाले के साथ मैरिनेट करने के लिए रखा था, और मैं उसको फ्राई करके छोटा छोटा काट लिया है। तो ये हमारी दोनों स्टफिंग रेडी है। और मोमोज की चटनी के लिए हमें इन सबको ग्राइंड करना है, टमाटर 2 से 3 बड़े बड़े, और बहुत सारा गार्लिक, रेड चिली और सॉल्ट, बस इनको ग्राइंड करना है और मोमोज की चटनी रेडी। और ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके रख दूँगी। अब मोमोज को शेप देना स्टार्ट करते हैं। और आपको इसके बेस को ज़्यादा थिक नहीं करना, ज़्यादा थिन नहीं करना, नॉर्मल साइज़ रखना है, ताकि वो ऊपर ज़्यादा मैदा सारा कलेक्ट ना हो जाए एक जगह। तो आपको बहुत सिंपल सा रखना है उसे, पतला सा। और ये मेरा एक मोमो रेडी हो गया, ये देखिए, ये है एक शेप। और अब दूसरी शेप बनाते हैं। इस शेप के लिए मुझे मोमो का ये बेस थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। तो ये देखिए हमारा ट्रायंगल की शेप में और मोमो रेडी हो गया। अब तीसरी शेप की बारी है। आई एम श्योर आपने इन सारी शेप्स के मोमोज खाए ही होंगे, और ये बनाने में भी बहुत इजी है। और अब बारी है चिकन मोमो की। इसमें चिकन की स्टफिंग करके मैं थोड़ी सी इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड करूंगी। एंड दिस वन इज़ गोना बी माय फेवरेट मोमो। तो मोमो सारे रेडी हैं स्टीम होने के लिए, और मैंने यहाँ स्टीम करने के लिए लिया है इडली कुकर। इनको थोड़ा सा इसकी ट्रेस को मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, ताकि मोमोज इस पर चिपके ना। और इसके लिड को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैदा भी पूरी तरह पक चुका है, और इस पर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी। और जो हमने चटनी बनाई थी वो ये रेडी है। उसका कलर देखिए, कितना अच्छा कलर आया चटनी का। तो मोमोस का खुलासा करके देखते हैं। ये देखिए कितनी थिन लेयर है, और एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर इसकी स्टफिंग ना गई हो। बहुत यम्मी बने हैं।
और ये कुछ स्टीम मोमोज, इन्हें मैं बेक करूँगी लजानिया स्टाइल में। तो मैंने माइक्रोवेव बोल में पहले नीचे एक मेयोनीज की लेयर लगा ली, उस पर थोड़े से अनियंस ऐड करे, फिर हमारे वन बाय वन मोमोज ऐड होंगे। और मोमोज के बाद उस पर आएगी फन फूड की मेयोनीज और इसे भर के डालना है। इसे अच्छे से मोमोज के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। मेयोनीज अच्छे से स्प्रेड करके इस पर थोड़े से अनियंस आएंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो भी आएगा और फिर बहुत सारी चीज़ आएगी हर एक लेयर में। तो एक लेयर हमारी रेडी है। अब सेकेंड लेयर के लिए सेम प्रोसेस दोबारा होगा। मोमोज आएंगे, फिर उसके ऊपर मेयोनीज आएगी, फिर उसके ऊपर ओरिगैनो आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ आएगी। लज़ानिया तो ऐसे ही बनता है ना, यहाँ हम कुछ नया टाइप का लज़ानिया बना रहे हैं मोमोज का। चीज़ को इसमें ऐसे डालना है जैसे चीज़ की बारिश हो गई हो। तो अभी हमारी थर्ड लेयर स्टार्ट हो गई है, इस पर भी मेयोनीज अच्छे से स्प्रेड करेंगे मोमोज के ऊपर। और सबसे ऊपर वाली लेयर में मैंने चीज़ को हर कॉर्नर पर तोड़ तोड़ के डाल दिया, क्योंकि वो बेक होने के लिए ज़्यादा चीज़ चाहिए यहाँ पर, तभी उसका टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया। और ये देखिए, ये आया फिर हमारे सामने। एंड ऑनेस्टली गाइज, ये मेरे अभी तक के बेस्ट बेक मोमोज थे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है स्टीम करने के बाद, लेकिन इसका टेस्ट आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।